ये लोग मजबूर कर देते हैं, घर में घुस के माँ बहन की गाली देते हैं या माँ बहन की इज्जत पर हाथ डालते हैं। इसको देखो, मतलब 12,000 का सामान इसने लिया एक को। हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसा आप सब? मुझे लगता है आप सब बढ़िया होंगे। भाई कल रात को बहुत ज़्यादा सर्दी थी यहाँ पे। ये देखो मेरी मम्मी, क्या हुआ, सर्दी की हालत ख़राब है? भाई पानी जम चुका है पूरा का पूरा टंकियों में। अब जा रहे हैं जहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम है वहाँ पे नहाने के लिए, तो वो भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। चलते हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या है क्या नहीं। और ये साबुन अपने हाथ में, और ये पूरा ना CRPF कैंप्स है, तो यहाँ पे तो भाई फौजी रफ टफ तरीके से रहते हैं, तो वो तो कोई चक्कर नहीं। अभी से ये बैरिक्स है, अब इसमें ही नहाने का है। कहीं 5-star होटल में रुकोगे तो भाई अजीब सा होता है, मतलब पूरा प्रॉपर वॉशरूम है, बट यहाँ पे तो यही है जिसमें गर्म पानी करने के लिए ये चीज़ रखी हुई है, और बस नहाते। और लड़के की हिम्मत देख रहे हो आप, मतलब -3-4 degree टेम्परेचर हो रहा तब भी नहाने आया हुआ है। और ये सुबह सुबह नज़ारे का एंजॉय लेते हुए खाना चल रहा है अपना यार। और अरे तो भाई जो 11 बज रहे हैं, 2 degree टेम्परेचर है यहाँ पे, तो ऐसा तो हो गई ना, समझ रहे हो? तो यार अभी नाश्ता वास्ता आया और इसके बाद का ना सुबह कहाँ चल रहा है, कुछ कुछ है प्लान कहीं चलने का? कल क्या हुआ था अपने हमारे साथ जरा बता रहा। कुछ नहीं, हम लोग लौट के आ रहे थे पैदल पैदल, पीछे से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी आई, इसने देखा हम लोग पैदल आए, तुरंत 4-5 पुलिस वाले एक एक फोटो से लेके उतरे, फटा फटा हम लोग की तरफ दौड़े। हम लोग कैसे घबरा गए थे, मेरे कहा हम लोग गए, हम लोग घबरा गए, हमने कहा अब तो गए, अब पुलिस वाले उतर रहे हैं, हमें गाड़ी में बिठा रहे हैं, हम गए। फिर उन्होंने कहा नहीं, आप पैदल चलना सेफ नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए आप गाड़ी में चलो हमारे साथ। तो फिर गाड़ी में आए थे, तो जी दोबारा से पैक हो चुके हैं, और पैक होके आगे चलने की बारी आ गई है। बाहर चलते हैं, इस CRPF कैंप से बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा जो लोकल लोग हैं उनसे मिलते हैं, मतलब मम्मी के कुछ जान पहचान के लोग हैं, तो लेट्स सी, देखो चलते हैं। और आज वो भी बताएंगे जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, मतलब मैं 19 तारीख तक हूँ यहाँ पे और मैं आया था 12 को, तो लेट्स सी अभी चलते आगे फटाफट। सीन्स कुछ यहाँ पे ऐसे है, और यहाँ के डॉग्स बड़े खतरनाक हैं, मतलब वो कहते हैं जो सिविल ड्रेस में होता है ना यहाँ पे उसे काट लेते हैं, तो डॉग से भी बचना है। और ठंड ये देखो ये रुद्राक्ष देखा होगा आपने, ये कश्मीर में सबसे ज़्यादा चलते हैं, कोई भी इमरजेंसी कुछ भी उस चीज़ में। तो ये वो टैंक्स है वहाँ पे, भी ऐसे बहुत सारे टैंक्स खड़े हुए हैं। काजू खाना है इसको दे देना, और अगर बेरीज वगैरह हो क्रैनबेरी है, क्रैनबेरी कैसे भी आधा किलो है, 500 रुपए का रेट है आधा किलो, शुगर कोटेड नहीं है। आप समझते नहीं हो, मार्केट में मतलब हम अपने लिए पढ़ाई करें कि मतलब बाद में हमें भी कुछ ऐसा, मतलब ऐसी जॉब मिले, मतलब हम भी अपना रोजगार
उसी से कमाई, मतलब अच्छी जॉब अगर मिले हम तो। करते क्या है ये लोग, मजबूर कर देते हैं, घर में घुस के माँ बहन की गाली देते हैं या माँ बहन की इज्जत पर हाथ डालते हैं। इसको देखो, मतलब 12,000 का सामान इसने लिया एक, अभी कॉल करेगा आराम, अभी हरामजादे कहाँ पे, मजबूर है, कंप्लेन करेगा फेक एनकाउंटर में मारा जाएगा। क्या बोलेगी फिर बाद, ये कश्मीर में ये तो आतंकवादी, लेकिन सच्चाई किसको पता नहीं। वही बोलते अपना शिकार बढ़ाने के, ये लेकिन ये नहीं कि मतलब सोचते कि हमने मजबूर किसने किया बंदूक उठाने पे, मुझे कोई शौक है बंदूक उठाने पे। लेकिन ऐसे बंदूक उठाने से प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रही है, उससे हो क्या जा रहा है। बात तो ये कि इन लोगों को अकल आए, इनको सबक मिले, वो कब, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर तुमने बंदूक उठा भी ली आज, उससे तो कुछ नहीं होने वाला है, ये कैसे भर जाएंगे, कुछ नहीं सुधरेगा, क्या सुधरेगा, मसला हल नहीं हो जाएगा। या अगर देखो बात करने का तरीका था, इसे फोन पे बात करेगा, बोलेगा मुकीत कहाँ पे, देखो बात करने में बात करने का ढंग होता है, अपना अपना तरीका। इसे इसको फोन करेगा, हाँ जी भाई जान कहाँ पे हो, जरूरी जरूरी नहीं है कि माँ बहन की गाली दी। मुसलमान नहीं, जो बात मुसलमान भी है ना, वो उनसे बदतर है, वो उनसे बदतर है। इतने इतने बाल बना के रखे है, लकड़ी लकड़ी भरवाई थी मेरे से उस टेम्पो में, यहाँ से खो निकल रहा था, फिर भी मैंने उनको बोला कि खो निकल, कुछ नहीं बोला भरो। एक बात है ना, जो हमारा एरिया है ना, मुझे अब प्रोग्राम करना ही करना है, और किसी के लिए नहीं करेंगे हम, पहले इनके लिए करेंगे। इन, इनके इनके बटालियन भी होता है उनका, 24 मतलब बटालियन, 33 बटालियन, ये आरआर का कोई एक बटालियन का कमांडर का कॉन्टेक्ट नहीं। ये मुझे कभी कभी जब एनकाउंटर होता है ना, कभी कभी किसी जगह, एक चीज मैंने 25 साल हो गए मुझे करते हुए, बहुत तरह के लोग देखे हैं, और मुझे प्रेम रावत जी का इतना। तो भैया खाना खाने बैठे थे, ये मम्मी ने तो पहले खा लिया, मेरे को भूख नहीं लग रही थी, तो रोटी हो गई ठंडी, अब रोटी को गर्म कर रहे हैं ऐसे। ये है बादाम, कश्मीरी बादाम। ये भाई शॉपिंग गई आज, तो तुम लोगों ने 6,500 रुपये फूक के आई है, यहाँ रोटी खराब हो रही है। तो भाई ये है अपना कावा, यहाँ पे यही सर्दी से बचा सकता है आपको बस, तो इसे पियो और जिंदा रहो। सो गाइज, आपने कल वाली क्लिप में देखा होगा, जो जिन लोगों का मेरा चेहरा ब्लर कर दिया था, वो कुछ बातें कर रहे थे, एक्चुअली क्या था कि वो लोकल कश्मीरी थे और मेरे मॉम के नोन्स थे, तो वो शेयर कर रहे थे अपनी चीज़ें कुछ कि उनके साथ क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, और अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि टेररिज्म एंड ऑल, और काफ़ी सारी चीज़ें बताई उन लोगों ने आर आर रेजिमेंट के बारे में, पूरा नाम मैं नहीं लूँगा, एंड कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है अब ये तो पता नहीं ना बाद में, कौन कितना सच बोल रहा है। तो उसमें देखा कि आपने उसमें बोला भी कि वो लोग बुलाते हैं, सामान मंगवाते हैं और पैसे भी नहीं देते, फिर नहीं मांगो नहीं बुलाओ तो मारते पीटते हैं, और कहते हैं खौफ बनाते हैं अपना आर आर रेजिमेंट वाले। अब वो क्या है, कितना सच है कितना नहीं है, तो भाई कौन नहीं बता सकता, बट लेट्स सी। और जितना था मैंने आपको दिखाया उसके बाद तो यही था, और लोकल में घूम रहे हैं भाई लोग ना, यहाँ पे ऐसे क्या ना घूर घूर के देखते हैं, जब भी आप निकलने के बाद तो लोग आपको घूर घूर के देखना चालू कर देते थे। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं आप नेक्स्ट डे।